हिंदू की अच्छी और बुरी बात बताओ तो क्या बताओगी? अच्छी आदत तो ये है कि वो बहुत पोलाइट होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत कम आता है। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है। और मीठे लोग होते हैं। वाह क्या सीन है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का की दम। सही पकड़े हैं। लेकिन बुरा उनमें मुझे ये लगता है कि एक तो वो मुस्लिम नहीं है, उन्हें मुस्लिम हो जाना चाहिए। चुप हो जा सातवीं फेल। हिंदुओं की बुरी बात ये है कि वो गोश्त नहीं खाते। चुप। अगर आपने कभी पाकिस्तानी वीडियो देखे हो, पाकिस्तान मीडिया से रिलेटेड, पाकिस्तान एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, या पाकिस्तान की रिएक्शन से रिलेटेड, यानी पाकिस्तान से रिलेटेड आपने आज तक कोई भी एक वीडियो देखा हो, तो उसमें एक बात सबसे ज़्यादा कॉमन हो यह होती है कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हमने कलमा पढ़ा है, हम बेहतर हूर वाले हैं, हम जन्नती कौम है, हम जन्नवी कौम है, हम दुनिया में सबसे बेहतर कौम है, हम ये हैं, हम फलाना है, ढिकना है, मुसलमान 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 के सिवा ये कोई बात नहीं करते। और हिंदुओं के बारे में अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या बोलते हैं, उस पर मैडम ने क्वेश्चन किया। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक तो वो पाकिस्तानी है, दूसरे वो मुसलमान है, और तीसरे जहालत तो इनकी आसमान से टपकी है इनके ऊपर। तो वीडियो में मजा आना तो लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। तो चलते हैं पाकिस्तान। सना हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मौजूद है। सना, सना हमने एक दफ़ा ना एक क्वेश्चन किया कि इंडियंस के बारे में एक अच्छी बात और एक बुरी बात, ठीक है? तो इंडियंस में तो ओवरऑल आ जाते हैं ना, मुस्लिम भी आ जाते हैं, फिर हिंदू भी आ जाते हैं, क्रिश्चियन भी, सिख भी, हर तरह के आ जाते हैं। लेकिन हमारे व्यूवर्स की एक डिमांड थी कि हिंदुओं के बारे में पूछो कि एक अच्छी बात और एक बुरी बात पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। तो आज मेरा आपसे सवाल है कि हिंदू, सिर्फ हिंदू के बारे में आपने बताना है एक अच्छी बात एक बुरी बात। अच्छी बात यह है कि एक तो हम लोगों का कल्चर बहुत सेम है, मिलता जुलता है, वो भी हमारी तरह मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, काम करते हैं, तो ये हम में बहुत ही सिमिलरिटीज़ हैं, तो ये अच्छी बात है उनकी हमारे साथ। और बुरी बात मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई बुरी बात है, ठीक है ना? पर्सनल अपने का डिफरेंस होता है, सोच का डिफरेंस होता है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान बुरा होता है। खामियां सब में होती हैं लेकिन कोई भी बुरा नहीं होता। बिल्कुल सही। लेकिन हम पाकिस्तानी तो कहते हैं वो हमारे दुश्मन है, वो हम उनके दुश्मन हैं। वो तो देखिए मैं वही कह रही हूँ ना, सबकी सोच होती है, तो जिनकी ये सोच ना कि वो हमारे दुश्मन है या उनको लगता है कि हम उनके दुश्मन है, तो वो उनकी ऐसी सोच है, छोटी सोच है। मतलब आप फिर क्या कहती हो कि यू लव और नॉट इंडियंस? आई लव इंडियंस, आई रिस्पेक्ट हिंदूज, या आई रिस्पेक्ट देम, आई रिस्पेक्ट द पीपल, आई रिस्पेक्ट देयर कल्चर, आई रिस्पेक्ट देयर एवरीथिंग, ठीक है ना? मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगी तभी वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे है। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान भुखमरी के दौर में गुजर रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण की ये मैडम की हालत देख के भी लग सकता है, बेचारी को खाने को भी नहीं मिल रहा। प्यारी समझ गई, और नहीं तो क्या। और दूसरी बात ये कि मैडम ने कही दो बातें। पहली बात है कि हिंदुस्तानी भी हमारे जैसे हैं, तो मैं सबसे पहले ये करेक्शन कर दूं मैडम आपको कि हिंदुस्तानी आपके जैसे नहीं है, आप हिंदुस्तानियों के जैसे हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान से गए। बेटा हमेशा बाप की तरह होता है, बाप बेटे की तरह नहीं होता, इस बात को समझिए आप। तो आप हमारी तरह है, हम आपकी तरह नहीं है। हिंदूज के बारे में आप एक अच्छी और एक बुरी बात बता दो। हाँ, हिंदुओं की बुरी बात यह है कि वो गोश्त नहीं खाते। और अच्छी बात उनकी यह है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदम। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आपने वो मतलब क्या कहते हैं ना, बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं बिल्कुल वो पूरा होगा, और यकीनन हो जाता है उनकी बात। आप देखते हो कि हम लोग कहते हैं जब हमारे पे मुसीबत आती है हम अल्लाह को तब याद करते, बिल्कुल उसके अलावा नहीं करते ना, ना शुक्रिया करते हैं, बिल्कुल नमाज का हमें पता नहीं होता है, ऑल ओवर वैसे हमें चीज़ों का सब पता होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखते हो कि हिंदू में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि उनके कोई होता है ना, जैसे मुझे अब उनके इतने त्योहारों का पता नहीं है जो वो करते हैं, पूजा वगैरह ऐसा, उन्होंने रेगुलर करनी है, और हमें हम पे फर्ज है नमाज, हम नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल यही बात है ना, एक पढ़ेंगे दूसरे कहेंगे चलो कल पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। बिल्कुल बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बात बताइए यार आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। वेलकम। मैडम ने कहा हिंदू शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होना सर्वश्रेष्ठ होता है, और दूसरा हिंदू मांसाहारी।
संस्कारी भी होते हैं, मैडम को पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है शायद। जो हिंदू होते हैं वो दया भाव होता है उनके अंदर, वो कभी भी अपने पेट की तृष्णा को शांत करने के लिए या अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए मांस को खाना पसंद नहीं करते। लेकिन हिंदुओं के अंदर भी बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है जो मांस का भक्षण करती है। बस फर्क इतना सा, जो आप जीव को तड़पा तड़पा के मारते हो, हलाल करते हो, तो वो हिंदू लोग वो नहीं करते, वो झटके से मार के खाते। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर है। मेरा नाम बंटी। नूर क्या करती हो? स्टूडेंट हूँ यूएल में। अच्छा माशाल्लाह। नूर आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदू के बारे में एक अच्छी और एक बुरी बात बता दो। अच्छी बात उनमें यह है कि उनमें यूनिटी होती है अपने लीडर को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आजकल हमारे इश्यूज चल रहे हैं कि मतलब हमारे में यूनिटी नहीं है, और उनमें लॉयल होते हैं वो अपने रिलीजन के साथ। लेकिन बुरा उनमें मुझे ये लगता है कि एक तो वो मुस्लिम नहीं है, उन्हें मुस्लिम हो जाना चाहिए, और दूसरा मुसलमानों पे वो जुल्म करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ, ये तो मीडिया की काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना कि मुसलमानों पर वो जुल्म करते हैं। जी अच्छा, जैसे कि आपने कहा है कि उनको मुस्लिम हो जाना चाहिए, जितने प्यार से आपने मुस्लिम का कहा है ना, मैं भी कितने लड़के सच में कह दे कि हाँ यार हम मुस्लिम हो जाते हैं। मैडम आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी ये तो है, जो सच्चा सनातनी होगा, जो सच्चा हिंदू होगा, वो कभी भी एक लड़की के लिए अपने धर्म को कभी चेंज नहीं करेगा, ना वो कभी लड़की का धर्म चेंज करवाएगा। लेकिन बुरा उनमें मुझे ये लगता है कि एक तो वो मुस्लिम नहीं है, उन्हें मुस्लिम हो जाना चाहिए। क्यों हो जाने चाहिए भाई? तुम हिंदू हो जाओ, तुम हिंदुओं की औलादे थी, तुमको हिंदू बन जाना चाहिए, तुमको घर वापसी करनी चाहिए। बेवकूफ तो तुम हो जो अपने ओरिजिनल धर्म को छोड़ के एक मजहब में जाके घुसे। क्या नाम है आपका? फरहीन। फरहीन क्या करती हो? परवीन लड़कों का काटती है। कुछ भी नहीं, स्टडी। अच्छा स्टडी। परहीन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा आपसे सवाल ये है कि एक हिंदू की अच्छी और बुरी बात बता दो, क्या बताओगी? अच्छी आदत तो ये है कि वो बहुत पोलाइट होते हैं, उनका गुस्सा बहुत कम आता है, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है। और मीठे लोग होते हैं, मीठे लोग होते हैं, जैसे गुड़ गुड़ों की तरह मीठे होते हैं। और जो बुरी आदत है वो ये है कि वो दूसरे मतलब मजाहिब को ना बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, रोक टोक। हाँ रोक टोक बहुत करते हैं, उनको बहुत उछालते हैं। उस बात ये चीज़ गलत है, मतलब आपको अपने मजहब से सिर्फ कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा मजहब जो मर्जी जैसा मर्जी हो, आपको वो मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक्स। इन पाकिस्तानी की कोई गलती नहीं है जो ये इस तरीके से बोल रही है। इनकी किताबों के अंदर, इनके टेक्स्ट बुक्स के अंदर, इनकी मीडिया के अंदर, इनकी टीवी के अंदर, इनके हर जगह, इनके मौलाना, इनके मदरसों में, इनके स्कूल में, इनके कॉलेजों के अंदर, हर जगह सिर्फ यही सिखाया जाता है हिंदू बुरा है, हिंदू बुरा है, हिंदू बुरा है, मुसलमानों पे दूध करता है। ये बचपन से लेकर बड़े होते हैं, जब तक सिर्फ यही बात सुन रहे होते हैं, तो ये चीज इनके दिमाग में घुस गई है। भले हिंदू किसी के हिंदू भले चीटी भी नहीं मारता हो, लेकिन इनके दिमाग में ये चीज पूरी तरीके से फिक्स हो चुकी है कि हिंदू तशद्दुद करता है, मतलब जुल्म करता है। और मैडम अगर हिंदुओं के बारे में ज्यादा जानना हो तो हिंदुस्तान आओ, कभी नेपाल आओ, पता चल जाएगा। मैं यही राय रखूंगी कि हर इंसान को अपने मजहब के साथ आजादी से जीना चाहिए, उन पे कोई देखे ना ये कोई पाबंदी नहीं मसलत करनी कि आप इस मज़हब में आए। वो तो अल्लाह ताला ने मुसलमान ही पैदा किया होता है, दुनिया में आके जिस मज़हब में आ जाते हैं वो उनका अपना है, ठीक है। वो चेंज करें या ना करें, आज़ादी से जिए, जहाँ भी रहें खुश रहें। हम मुसलमान हैं, हम अपने मजहब के साथ आज़ादी से जीते हैं। इन मैडम के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया का बच्चा मुसलमान पैदा होता है, वो बाद में आके अपना धर्म बदल लेता है। तो भाई जब तक कलमा ना पढ़े और जब तक सोने की चिड़िया ना उड़ाए, तो वो मुसलमान कैसे बनता है फिर? भाई मोहतरमा की उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन गंगा उल्टी बह रही। पूरा वीडियो आपने देख लिया, पूरा वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है, आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, किन लोगों में क्या गलत फहमियाँ, वो सारी गलत फहमियाँ आप कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।